गुड मॉर्निंग, नमस्ते, अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। हाजिर हूं मैं आज आपके सामने जीसीपी का नया लेक्चर लेके, जिसमें आज मैं आपको बताने वाला हूं कि ऑटोमेटिक वीपीसी कैसे क्रिएट किया जाता है। पूरा डेमो आपको करके दिखाऊंगा, पहले कंसोल की हेल्प से करके दिखाऊंगा और उसके बाद आपको क्लाउड शेल की हेल्प से मैं ये डेमो करके दिखाऊंगा। दोनों तरीके से हम करके देखेंगे, बेहद आसान है, कोई मुश्किल बात यहाँ पर नहीं है। और उससे पहले कि मैं ये लैब कराऊं, पहले क्योंकि आप में से बहुत सारे लोग नॉन टेक्निकल हैं, फ्रेशर्स हैं, जिनको पहले ये समझना पड़ेगा कि आज की लैब में हम करने क्या वाले हैं। लैब तो मैं करा ही दूंगा, लेकिन आप फील कर पाओगे तो ज्यादा बेहतर है। तो देखिए जरा, मैं आपको पहले समझा देता हूं कि देखिए हमारा एक गूगल अकाउंट है, उस अकाउंट के अंदर मैं जाता हूं। ये मेरा गूगल अकाउंट है, फॉर एग्जांपल ये मेरा जीसीपी अकाउंट है जो भी मैंने बना रखा है। उस अकाउंट के अंदर मैं एक प्रोजेक्ट में जाऊंगा, जिस भी प्रोजेक्ट में मैं काम कर रहा हूं मैं उस प्रोजेक्ट के अंदर आऊंगा। फॉर एग्जांपल मेरे जो प्रोजेक्ट का नाम है वो है टेक्निकल गुफ्तगू वन, टेक्निकल गुफ्तगू वन, ये मेरी प्रोजेक्ट आईडी है और मैं इसके अंदर काम करूंगा। तो टेक्निकल गुफ्तगू वन के अंदर मैं क्या कर रहा हूं, मैं सबसे पहले एक वीपीसी नेटवर्क बनाऊंगा। ये मेरा एक वीपीसी नेटवर्क होगा, ये मेरा एक वीपीसी नेटवर्क बनेगा जिसको मैं बनाऊंगा और ऑटोमेटिक बनाऊंगा। ऑटोमेटिक बनाने से क्या होगा, ऑटोमेटिक बनाने से ये होगा कि मेरे हर रीजन में एक वीपीसी सबनेट क्रिएट हो जाएगा। तो मैं ऐसा मान लेता हूं कि सबनेट बहुत सारे क्रिएट हुए हैं, जितने भी रीजन है हर रीजन में एक सबनेट क्रिएट हुआ है। तो मैं यहां पर दो सबनेट ले लेता हूं फिलहाल के लिए। एक सबनेट ले लेता हूं यूएस वाला, यूएस ईस्ट वन, और एक सबनेट मैं यहां पे ले लेता हूं। अभी फिलहाल के लिए दो ले रहा हूं, वैसे और भी बने हुए होंगे इसी नेटवर्क के अंदर। तो ये मेरा एक यूएस ईस्ट वन में सबनेट है और ये मेरा एक एशिया साउथ ईस्ट वन में मैं ले लेता हूं, एशिया साउथ ईस्ट वन। तो मैं एक वीपीसी नेटवर्क क्रिएट करूंगा ऑटोमेटिक मोड के थ्रू, उसमें मेरे पास सारे सबनेट बन जाएंगे। सबकी अलग अलग रेंज होगी, जैसे इस वाले की होगी 10.148.0.0, इस वाले की होगी 10.128.0.0, फॉर एग्जाम्पल। ऐसा हम मान लेते हैं कि ये इनकी रेंजेस हैं। अलग अलग सबनेट की रेंजेस आपको ऑटोमेटिक सबनेट में मिलेंगी, ऑटोमेटिक वीपीसी के अंदर मिलेंगी। फिर हम क्या करेंगे, हम इनके अंदर एक एक वीएम क्रिएट करेंगे, एक एक वर्चुअल मशीन क्रिएट करेंगे और हम कोशिश करेंगे उनको आपस में पिंग करा के देखने की। पिंग कराना पड़ेगा, हम टेस्ट करेंगे कि क्या ये कम्युनिकेट कर पा रहे हैं विद द हेल्प ऑफ प्राइवेट आईपी। जैसे इसको एक प्राइवेट आईपी मिलेगी 10.148.0.2 और इसको मिल जाएगी इसी रेंज के अंदर 10.128.0.2, ये मिल जाएगी। तो हम इसके अंदर जाके इसका SSH लेंगे, इस वर्चुअल मशीन के अंदर जाएंगे और इस आईपी को पिंग करा के देखेंगे। पिंग कराने का मतलब क्या होता है, हम टेस्ट करते हैं कि भाई मैंने तुम्हें एक हेलो मैसेज भेजा है फॉर एग्जांपल, और अगर उसका रिप्लाई भी मुझे हेलो का आता है तो इसका मतलब कि हाँ उसको मेरा मैसेज मिल रहा है। पिंग कुछ ऐसा होता है, पिंग में हम एक मैसेज सेंड करते हैं, एक टेस्टिंग मैसेज भेजते हैं, चार पैकेट सेंड करते हैं और उन चार पैकेट का रिप्लाई अगर हमें वहां से मिलता है तो हम ये मान लेते हैं कि हाँ इसका मतलब मेरा मैसेज उस पर गया है और उसने उसको रेस्पॉन्ड किया है, उसने रिप्लाई किया है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो अगर ये टेस्टिंग हमारी सक्सेसफुल हो जाती है कि अमेरिका से साउथ ईस्ट वन यानी कि सिंगापुर के अंदर मैं एक मैसेज भेजूंगा इस सर्वर के पास और वो भी प्राइवेट आईपी पे भेज रहा हूं, पब्लिक आईपी का इस्तेमाल नहीं कर रहा, और अगर मुझे वहां से रिप्लाई आता है इसका मतलब मैं अच्छे से कम्युनिकेट कर पा रहा हूं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। पिंग करने के लिए आपको फायरवॉल में एक चेंज करना पड़ेगा, फायरवॉल के अंदर ICMP प्रोटोकॉल आपको अलाउ करना पड़ेगा। ऑलवेज रिमेंबर, अगर आप पिंग टेस्ट कर रहे हैं तो आपको ICMP प्रोटोकॉल अलाउ करना पड़ता है फायरवॉल में। अगर आप लिनक्स मशीन चला रहे हैं, दोनों VM आपने लिनक्स मशीन बनाई है तो इजीली काम हो जाएगा, लेकिन अगर आपने विंडोज मशीन बनाई है, लिनक्स की जगह आपने यहां पर विंडोज सर्वर बनाए हैं, तो वहां पर आपको विंडोज सर्वर के अंदर जाके उसकी फायरवॉल को ऑफ करना पड़ेगा जो उनकी डिफॉल्ट फायरवॉल होती है, यह भी आपको याद रखना है। वैसे आपको नहीं भी याद रहेगा तो कोई मसला नहीं है। तो ये सिनेरियो गाइस आज हम करने वाले हैं। तो मैंने यहां पर जो स्टेप्स लिखे हैं, आप चाहे तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, मैंने यहां पर जो स्टेप लिखे हैं वो इस वीपीसी नेटवर्क को क्रिएट करने के लिखे हैं कि ये वीपीसी नेटवर्क बनता कैसे है। तो देखिए, सबसे पहले आपने अपने जीसीपी कंसोल में लॉग इन करना है जिस पे आपने फ्री अकाउंट बना रखा है। अगर आपका अकाउंट एक्सपायर हो जाता है 3 महीने के बाद तो आप उसको अपग्रेड भी कर सकते हैं, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी, बहुत ज्यादा बिल नहीं बनता है। तो यह डरने की जरूरत नहीं है कि सर मेरा 3 महीने पूरे हो गए अब मैं कहां से ये लैब करूं, अपग्रेड कर लीजिए यार, कोई प्रॉब्लम नहीं है।
ठीक है, 10-20-50 रुपए का भी बिल नहीं आएगा महीने का, अगर आप लैब करने के बाद उन्हें टाइम से डिलीट कर दोगे। ठीक है, तो कोई डरने की जरूरत नहीं है, अपग्रेड करके काम कर लो, जरूरी नहीं है कि फ्री अकाउंट पे ही काम किया जाए। तो आपने जीसीपी कंसोल में लॉगिन करना है, वीपीसी नेटवर्क पे जाना है। वीपीसी नेटवर्क के अंदर एक ऑप्शन आपको टॉप पे मिलेगा, क्रिएट वीपीसी नेटवर्क। इसका मतलब है आप अपना इस तरह का एक वीपीसी नेटवर्क क्रिएट करना चाहते हैं। मैं उस पर क्लिक करूंगा। क्लिक करने के बाद मुझे एक नाम देना है, नाम मैं कुछ भी दे सकता हूं, मेरे केस में मैंने उसको नाम दे दिया माई ऑटो वीपीसी। ऑटो वीपीसी इसलिए रखा है ये बताने के लिए कि मैं ऑटोमेटिक मोड से बनाने वाला हूं, तो मैंने इसीलिए यहां पे माई ऑटो वीपीसी उसको नाम दे दिया। उसके बाद वो आपसे पूछेगा वीपीसी यूएलए IPv6 करके एक वहां पे ऑप्शन होगा जो कि बाय डिफॉल्ट डिसेबल होगा, तो आपको वो डिसेबल ही रहने देना है, आपको उसे इनेबल करने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि उससे होता ही है कि IPv6 को सपोर्ट करने लगता है या IPv6 पे अगर आप काम कर रहे हो तो आपको वहां इनेबल करना होता है, बट फिलहाल हमें इसकी कोई रिक्वायरमेंट नहीं है तो आप इसे डिसेबल ही रहने दीजिएगा। उसके बाद आपसे सबनेट्स का पूछेगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि अभी हम जो लैब कर रहे हैं क्रिएट ऑटोमेटिक वीपीसी, वहां पे हम इसीलिए इस ऑटोमेटिक को सिलेक्ट करेंगे। इसका मतलब है कि हम जो सबनेट चाहते हैं वो ऑटोमेटिक बन जाए। अगर हम ये सिलेक्ट ऑप्शन सिलेक्ट करेंगे तो अपने आप हर रीजन में, जितने भी 25-27 रीजन इनके हैं, हर रीजन में इनका एक एक सबनेट अपने आप क्रिएट हो जाएगा उस नेटवर्क के अंदर, उस प्रोजेक्ट में, उस नेटवर्क के अंदर एक एक वीप सबनेट हर किसी रीजन का क्रिएट हो जाएगा। यहां पे जैसे कि मैंने दो बना के दिखाए, पर और भी इसी नेटवर्क के अंदर बन जाएंगे, अपने आप बन जाएंगे। मैं आपको दिखाऊंगा जैसे ही लैब में, जैसे ही आप क्रिएट करोगे अपने आप बन जाएंगे। तो यहां पर आपको ऑटोमेटिक सिलेक्ट करना है। फायरवॉल रूल्स वहां पर पहले से कुछ आ रहे होंगे, आप चाहें तो अपनी फायरवॉल बना सकते हैं, अपने फायरवॉल रूल क्रिएट कर सकते हैं, वहां पर भी कुछ ऑप्शंस आ रहे होंगे, उनमें आपने कुछ नहीं करना होता, बस टिक करना होता है जो जो प्रोटोकॉल आप अलाउ करना चाहते हैं। जैसे कि मैं वहां पे TCP एक ऑप्शन आ रहा होगा, TCP 20 नंबर पोर्ट जो कि SSH के लिए होता है। SSH का मतलब क्या है कि मैं रिमोटली अपनी VM का एक्सेस ले पाऊं, उसका SSH करके देख पाऊं, सिक्योर शेल कनेक्शन में कर पाऊं, तो वहां पे मुझे TCP अलाउ करना पड़ेगा। अगर आप लिनक्स की जगह विंडोज सर्वर को एक्सेस करके देखना चाहते हैं तो आपको RDP पोर्ट अलाउ करना पड़ेगा, वो 3389 होता है, तो आपने वो अलाउ करना पड़ेगा, तो आप उस चॉइस से कर सकते हैं। अगर इसको आपने बाकियों को भी अलाउ कर दिया, एज सच फिलहाल कोई फर्क नहीं पड़ेगा इससे, कोई बिलिंग पे फर्क नहीं पड़ता है, कोई बिल इससे नहीं बनता है, तो ऐसी कोई घबराने की बात नहीं है, आप पोर्ट्स अलाउ कर सकते हो। डायनामिक राउटिंग मोड, यहां पर भी दो ऑप्शन आपको मिलेंगे, बाय डिफॉल्ट रीजनल आपको मिलेगा, रीजनल ही हम रखेंगे। इसका मतलब यह है कि जो हमारा क्लाउड राउटर है, जो GCP का राउटर है, हम उसे क्या कहते हैं, हम कहते हैं तुम्हें खाली अपने रीजन की इंफॉर्मेशन रखनी है, रीजन में जितना भी काम हो रहा है, जितने भी पैकेट आ रहे हैं जा रहे हैं, उन नेटवर्क्स की नॉलेज रखनी है, या हम उसे कहते हैं नहीं, तुम डायनामिकली, तुम VPN के थ्रू डायनामिकली पूरी दुनिया में जितने भी हमारे कम्युनिकेशन हो रहे हैं उस पूरे का आपने अगर नॉलेज रखनी है, मेरे राउटर को होनी चाहिए, तो मैं डायनामिक राउटिंग मोड के लिए ग्लोबल सेलेक्ट करूंगा। लेकिन मैं कहता हूं नहीं, मेरे रीजनल को रखो, मेरे खाली रीजन की इंफॉर्मेशन आप रखो, वो काफी है, तो आप रीजनल के साथ जा सकते हैं। और इस पे अभी रीजन या ग्लोबल करने से कोई फर्क नहीं पड़ेगा, कोई बिलिंग पे फर्क नहीं पड़ेगा, तो एज सच कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप कोई भी ले सकते हैं, बट डिफॉल्ट रीजनल है, रीजनल के साथ जाए। MTU मैक्सिमम ट्रांसमिशन यूनिट मैं यहां पे लिख देता हूं, मैक्सिमम ट्रांसमिशन यूनिट। ये इंटरव्यू में पूछा जाता है कि MTU क्या होता है, क्या नहीं होता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है जो जनरली लोग नहीं दे पाते या इसको स्किप कर देते हैं। इसका मतलब क्या है, इसीलिए स्पेशली मैंने यहां लिख दिया है, MTU इज द साइज इन बाइट्स। ये हमने 1460 बाइट बाय डिफॉल्ट हमें वहां पे मिलती है। दो ऑप्शन और होते हैं हमारे पास, 1500 के और 8896 के, और भी अपनी मर्जी का आप ले सकते हो चॉइस करके, बट ये डिफॉल्ट होता है 1460, यही आपने लेना होता है। तो ये क्या होता है, ये एक पैकेट का साइज होता है जो आप मैक्सिमम ट्रांसमिट कर सकते हो अपने नेटवर्क के ऊपर। देखिए यहां पे लिख भी दिया है मैंने, MTU इज द साइज इन बाइट्स ऑफ द लार्जेस्ट पैकेट सपोर्टेड बाय अ नेटवर्क लेयर प्रोटोकॉल इंक्लूडिंग बोथ हेडर एंड डेटा। तो एक पैकेट, पूरा एक पैकेट, सिंगल पैकेट नेटवर्क लेयर पे जो हमारे पैकेट के थ्रू कम्युनिकेशन होता है, तो वो पैकेट का साइज क्या होगा ये डिपेंड करता है। जितने बड़े पैकेट जाएंगे उतना ज्यादा आप डेटा ट्रांसफर कर सकते हैं, बट नेटवर्क पे कंजेशन बढ़ जाएगा, छोटे पैकेट्स होंगे जल्दी जल्दी चले जाएंगे। पर यहां पर यह भी इंपॉर्टेंट बात है, कोई आपसे पूछ सकता है कि आपने
MTU साइज कब बढ़ाना है। देखिए आप अगर फास्टर डेटा ट्रांसफर चाहते हैं, बहुत फास्ट डेटा ट्रांसफर चाहते हैं, तो बड़े बड़े पैकेट हमें भेजने पड़ेंगे ताकि ज्यादा फाइल, ज्यादा लंबी फाइल जो GBs में है वो जल्दी ट्रांसफर हो जाए, हमें बड़े पैकेट्स भेजने पड़ेंगे। लेकिन बड़े पैकेट्स अगर आप नॉर्मल नेटवर्क पे, इंटरनेट पे भेज रहे हो, तो वो नेटवर्क को कंजेशन क्रिएट होगा, नेटवर्क स्लो कर देगा, आपका डेटा ट्रांसमिशन जो है वो बहुत स्लो हो जाएगा। तो ये रिकमेंड किया जाता है कि 1600 MTU से ऊपर, यहां पे मैंने लिख भी दिया है 1600 MTU से ज्यादा, ये ग्रेटर देन का साइन है, तो अब ये ग्रेटर देन लेस देन जो भी है आप उसको ना जाने, ये ग्रेटर देन मैं मतलब कहना चाहता हूं 1600 से ज्यादा MTU तब ही इस्तेमाल करें जब आप, आपका सोर्स एंड डेस्टिनेशन यानी दोनों वर्चुअल मशीन जिससे जिसको भेजना है वो दोनों की दोनों सेम सबनेट के अंदर है, जैसे कि हमारे अभी अलग अलग सबनेट में है, तो इसमें आपने 1600 से ज्यादा नहीं लेना। जब दोनों VM इसी के अंदर होंगी, VM1 और VM2 दोनों इसके अंदर है और उनके आपस में डेटा ट्रांसफर करना है, तब ही आप 1600 से ज्यादा MTU का इस्तेमाल कर सकते हैं, अदरवाइज ना करें। तो कंडीशन क्या है कि दोनों एक ही सबनेट के अंदर होनी चाहिए VM, और दोनों प्राइवेट IP के थ्रू कम्युनिकेट करेंगी, तब आप इस ज्यादा MTU का इस्तेमाल करें। अगर आपने नॉर्मल नेटवर्क पे कम्युनिकेशन करना है तो हम सजेस्ट करेंगे कि आप MTU को 1460 पे ही सेट रहने दें। तो ये एक इंपॉर्टेंट चीज है जो मैंने आपके साथ डिस्कस कर ली, जनरली लोग अवॉइड करते हैं। उसके बाद आपने कुछ नहीं करना, सारी चीजें हमने करी, डिस्कस कर ली, नीचे क्रिएट का ऑप्शन होगा, आप क्रिएट कर दें। यहां पर एक ऑप्शन और आएगा क्रिएट के नीचे, इक्विवेलेंट क्लाउड शेल या कमांड लाइन इंटरफेस जो आपको वहां पे मिलेगा, तो उसमें जैसे ही आप क्लिक करोगे, मैं आपको लैब में करके दिखाऊंगा, इसी लैब को करने का क्लाउड शेल के थ्रू जितनी भी कमांड्स है वो ऑटोमेटिक वहां पे आ जाएंगी, आपने कुछ नहीं करना। क्लाउड शेल को मैं एक चीज और बता दूंगी, कुछ लोगों के मन में ये डाउट होगा यार सब कुछ अच्छे से समझ आ रहा है लेकिन ये क्लाउड शेल की कमांड क्या मुझे याद रखनी पड़ेगी, कोई जरूरत नहीं है आपको क्लाउड शेल की कमांड याद रखने की। वहां पर नीचे ऑप्शन होता है, मैं आज की लैब में आपको उसी से करके दिखाऊंगा, वो ऑप्शन ऑटोमेटिक आ जाता है, आपने एक बार बना लिया वो ऑप्शन सेट हो गए, उसमें कुछ एडिट करना है, चेंजेस करने है, आप अपने अकॉर्डिंग कर सकते हो। तो ऐसा नहीं है कि आपने सारी कमांड याद रखनी है, कोई यार हम मशीन नहीं है और जो चीज हो सकती है वहां पे उसने याद क्यों रखना, हम उसे याद क्यों रखें, हम उसको सेव करके रख सकते हैं उस तरह की फाइल्स को कि VPC क्रिएट करने की क्या कमांड है, हम रख सकते हैं। हाँ, हमें उसे एडिट करना आना चाहिए, हमें ये पता होना चाहिए कहां पे कौन सी कमांड का इस्तेमाल किया जा सकता है, वो एक अलग मैटर है। लेकिन बहरहाल यहां पर आपने कोई ऐसा कुछ नहीं करना, तो इक्विवेलेंट कमांड लाइन भी मैं वहां पे आपको दिखा दूंगा, कॉपी पेस्ट कर लूंगा सो दैट मैं क्लाउड शेल पर वो आपको करके दिखा सकूं। तो फिर उसके बाद आपने क्रिएट कर देना है, क्रिएट करते ही थोड़ी देर के अंदर, तकरीबन एक मिनट लगेगा, आपका ऑटोमेटिक VPC क्रिएट हो जाएगा और क्रिएट होते ही सारे सबनेट आपको नजर आने लगेंगे, अलग अलग रेंज के 10.128 से स्टार्ट होंगे और फिर अलग अलग आपको रेंजेस नजर आएंगे। गो टू कंप्यूट इंजन, उसके बाद आपने क्या करना है, क्योंकि देखो मैंने VPC नेटवर्क बना लिया, उसमें मेरे सारे सबनेट बन गए, अब मुझे क्या करना है, दो सबनेट के अंदर अपनी मर्जी के, जैसे कि मैं अपने केस में एक US East 1 ले लूंगा, एक एशिया साउथ ईस्ट 1 ले लूंगा, दोनों में एक एक मुझे वर्चुअल मशीन क्रिएट करनी है। लैब करते टाइम मेरे साथ एक इशू आया कि मेरे को वो, जब मैं पहली VM तो मेरी इजिली बन गई, जब मैं दूसरी VM बना रहा था तो मेरे को आ रहा था कि कोटा एरर है या आपको यहाँ पे रिसोर्सेज अवेलेबल नहीं है। अगर इस तरह का आपके पास इशू आता है तो आप रीजन को चेंज करके देख लें, साइज को चेंज करके देख लें VM के, और फिर क्रिएट करें, आपका बन जाएगा। हो सकता है दूसरे रीजन में भी इशू आ जाए, तीसरे में ट्राई कर लें। तो ये कुछ चीजें हैं, इवन मेरा पेड अकाउंट है फिर भी इस तरह के इश्यूज आ जाते हैं, क्योंकि मैंने अपना कोटा एक्सटेंड नहीं किया हुआ, तो वही लिमिटेड मेरा कोटा चल रहा है, तो मैं उसमें कर सकता हूं। तो इस तरह का इशू अगर आपके साथ आए लैब करते हुए तो घबराना नहीं है, आप उसको कहीं और क्रिएट करके देख सकते हैं। तो मैं अब अपने केस में दो VM बनाऊंगा, दोनों VM बनाने के बाद मैंने दोनों का SSH लेना है, और एक के ऐसे एक VM के अंदर जाके, फॉर एग्जांपल मैं इस VM के अंदर गया और इसके अंदर जाके मैं पिंग कमांड चलाऊंगा और इसके IP को पिंग करके देखूंगा, जैसे ही मैं पिंग करूंगा मेरे पास रिप्लाई आएगा। मेरे केस में क्या हुआ, मेरे केस में मैंने जब फायरवॉल को इनेबल नहीं किया हुआ था, ICMP पोर्ट अलाउड नहीं था, तो मैं वहां गया, मैंने ICMP को अलाउ किया, मैं आपको लैब में दिखाऊंगा भी, सो दैट ये ट्रबल शूटिंग बहुत इंपॉर्टेंट है, अगर ये नहीं आपको आती होगी तो मसला है। तो इसीलिए आपको पता होना चाहिए कि क्या चीज ना होने से रिप्लाई आएगा या नहीं आएगा। तो क्योंकि मैंने मेरे केस में स्टार्टिंग में फायरवॉल को नहीं किया था इनेबल, तो रिप्लाई नहीं आया। तो जैसे ही मैंने ICMP को इनेबल किया, तुरंत उसके वहां मैंने इनेबल पे क्लिक किया है और यहां पे मेरे पर रिप्लाई आने लगा है। तो ये चीजें इंपॉर्टेंट है, जरूरी नहीं है कि हर बार आप ये सोचें कि अच्छा VPC तो मैंने VPC में तो गलती नहीं कर दी, मुझे ये ऑप्शन इनेबल तो नहीं करना था या ये साइज बढ़ाना तो नहीं था, ऐसा कुछ नहीं है गाइस। कम्युनिकेशन तभी होगा जब उनका वो स्पेसिफिक पोर्ट ओपन होगा जिस प्रोटोकॉल को आप इस्तेमाल कर रहे हैं। तो
पिंग के लिए आईसीएमपी प्रोटोकॉल यूज किया जाता है, इसीलिए इसका अलाउ होना जरूरी है। अगर ये नहीं होगा तो पिंग कमांड काम नहीं करेगी। ठीक है, तो ये एक इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन थी जो मैंने आपको दी है। आई होप कॉन्सेप्ट आपको समझ आ गया होगा। फिर लैब में ही मैं आपको क्लाउड शेल के थ्रू भी करके दिखाऊंगा। यहां पर मैं क्लाउड शेल की कमांड्स नहीं लिख रहा हूं क्योंकि कोई सेंस नहीं है। मैं इतनी सारी कमांड्स आपको लिखवा दूं बट वो आपको याद ही ना रहे तो फिर कोई फायदा नहीं है। मैं अगली वीडियो लेकर आऊंगा, उसमें क्लाउड शेल की कुछ हल्की फुल्की कमांड्स वहां पर धीरे धीरे प्रैक्टिस कराने की कोशिश करूंगा कि आप धीरे धीरे चीजों को समझें और अच्छे से समझें। ठीक है, एकदम से सारी चीजें दे दूंगा आपको, मजा तो बड़ा आएगा लेकिन कर आप कुछ नहीं पाएंगे। तो मेरी कोशिश ये है आपको ज्यादा से ज्यादा सिखा सकूं, गूगल क्लाउड का मास्टर आपको बना दूं और डेफिनेटली आप बन जाएंगे, कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। ये भी होता है देखो, टाइम के साथ साथ मेरी कुछ लोगों ने डेवॉप सीरीज पढ़ी है, डेवॉप सीरीज में काफी सारे चेंजेस आ गए हैं। जैसे गिट को आप जब गिटहब पे कोई कोड को पुश करते हैं, कुछ करते हैं, तो वहां पे वो टोकन मांगने लगा है। बहुत सारी चीजें हैं, मैं लोगों के कमांड मैसेज देखता रहता हूं कि मिनी क्यूब अब इंस्टॉल नहीं हो रहा है मेरी उन कमांड से। तो इन सारी चीजों को ट्रबल शूट करना आपने खुद सीखना है। गूगल पे जाएं, सर्च करें, वो एरर कॉपी कर लें जो आ रहा है और गूगल पे डाल दें, आपको आंसर मिल जाएगा। तो ऐसा नहीं है कि वो वीडियोस पुराने हो गए तो यार अब कैसे करके देखें इस लैब को। हो सकता है आज मैं जो लैब यहां पे करा रहा हूं इसमें ऑप्शंस कल चेंज हो जाएं, फ्यूचर में कोई और ऑप्शन यहां पे आ जाए, डायनामिक राउटिंग मोड में एक तीसरा ऑप्शन भी आ जाए, कुछ और आ जाए। तो इन चीजों से घबराना नहीं है, आप गूगल करें, देखें कि यह नई चीज का मतलब क्या है। तो लैब कभी भी ऐसा नहीं है कि दो साल बाद आप इस लेक्चर को देखेंगे या एक साल बाद देखेंगे तो आप ये कहें कि नहीं यार ये वीडियोस अब पुराने हो गए, अब तो बहुत कुछ चेंज हो गया होगा। चेंज कुछ नहीं होता, कॉन्सेप्ट सेम रहते हैं, कॉन्सेप्ट ऑलवेज रिमेन्स सेम, ये बात आप याद रखें। तो मेरी कोई भी सीरीज आप देखें वहां पे अगर लैब में चेंजेस आ भी गए हैं तो उनकी बुनियाद वही है, उनके कॉन्सेप्ट्स वही हैं। वीपीसी नेटवर्क का मतलब वहां पे वही है जो तब था एडब्ल्यूएस के अंदर, यहां पर भी यही रहेगा जो जीसीपी के अंदर है, तो ये कभी चेंज नहीं होते। तो मेरी किसी भी वीडियो को देखें वहां पे अगर लैब करते हुए चीजें चेंज हो गई हैं तो गूगल करें, उसको सॉल्व करें, तभी एक इंजीनियर बन पाएंगे। अगर हर चीज मैं ही करा दूंगा तो आप कैसे बनेंगे? ट्राई टू अंडरस्टैंड दिस थिंग। ठीक है, तो मेरी सारी प्लेलिस्ट मैंने बहुत डिटेल में बनाई हुई है, बहुत मेहनत की है, और जीसीपी सीरीज भी आप देख रहे हैं कि मैं काफी एफर्ट्स लगा के जल्दी जल्दी अब वीडियोज ला रहा हूं ताकि आप लोगों की जो शिकायत है वो दूर की जा सके और जीसीपी भी टाइमली फिनिश कर दिया जाए। तो आपका सपोर्ट बहुत जरूरी है, प्लीज गाइज वीडियोज को शेयर भी करें, दोस्तों को बताएं, लिंक्डइन पे शाउट आउट चलाएं, एक मतलब लोगों को बोलें कि यार ये बंदा कुछ कर रहा है, फ्री में यूट्यूब पर लेकर आ रहा है, क्यों अपने पैसे खर्च कर रहे हो कोचिंग इंस्टीट्यूट में। जो भी क्लाउड पढ़ना चाहता है गो टू टेक्निकल गुफ्तगू, तो जरूर आप हमें सपोर्ट करिएगा। चलिए अब ज्यादा टाइम जाया नहीं करते, चलते हैं सीधा लैब पे और सब कुछ आपको करके दिखाता हूं। तो लो जी आ गए अपनी लैब के ऊपर, और सबसे पहले मैं देखिए आप, मैं इस प्रोजेक्ट के अंदर हूं, मैं डैशबोर्ड पे चलता हूं तो आपको नज़र आ रहा है कि मेरा प्रोजेक्ट नेम है टेक्निकल गुफ्तगू और ये है मेरी प्रोजेक्ट आईडी। और वीपीसी हमने बनाना है तो आप इस हैमबर्गर मेन्यू पे क्लिक करेंगे और नीचे आपको देखें वीपीसी नेटवर्क का इस तरीके से ये चार बक्से बने हुए हैं, ये इसका लोगो है। इस वीपीसी नेटवर्क के अंदर आपने वीपीसी नेटवर्क बनाना है तो यहाँ पर देखें वीपीसी नेटवर्क्स का ऑप्शन हमारे पास अवेलेबल है, इस पर आपने क्लिक करना है। यहाँ पर देखिए ऑलरेडी एक डिफ़ॉल्ट वीपीसी मेरा बना हुआ है। ये क्यों बना है मैंने आपको बताया था कि जब आप कोई प्रोजेक्ट बनाते हैं तो एक डिफ़ॉल्ट वीपीसी अपने आप बन जाता है। और यहाँ पे आप देख सकते हैं मेरे पास जितने भी रीजन हैं हर रीजन के अंदर एक सबनेट बना हुआ है, आप देख सकते हैं ये मेरे सबनेट की रेंजेस हैं, ये मेरे सबनेट हैं बेसिकली जो मेरे बने हुए हैं 10.140.0.0.0/20, इस तरीके से मेरे सबनेट्स हैं ये मेरे बने हुए हैं, आप देख सकते हैं। तो हर एक रीजन में मेरे पास एक सबनेट अवेलेबल है जबकि वीपीसी मेरा एक ही है। तो मैंने यही बताया था, यही एक बुनियादी फ़र्क है गूगल के वीपीसी में और एडब्ल्यूएस के वीपीसी में कि ये ग्लोबल होता है। एक वीपीसी के अंदर आप देख सकते हो सारे रीजन बने हुए हैं, हर रीजन में एक एक सबनेट है। तो अब इसी तरीके का हम अपना एक वीपीसी बना के देखते हैं, तो आपने क्रिएट वीपीसी नेटवर्क पर क्लिक करना है। यहाँ पे आपको नाम देना है, नाम आप कुछ भी ले सकते हैं, मैं इसको नाम देता हूँ माई ऑटो वीपीसी। तो सबसे पहले मैं आपको ऑटो वीपीसी बना के दिखा रहा हूँ, तो यहाँ पे मैं इसको नाम दे सकता हूँ, नाम कुछ भी हो सकता है। नाम देने का क्या तरीका है आप देख सकते हैं, नेम मस्ट स्टार्ट विद अ लोअर केस लेटर फॉलोड बाय अप टू 62 लोअर केस लेटर्स नंबर और हाइफन, तो इस तरीके से आप नाम दे सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में अगर आप कुछ देना चाहते हैं, मैं कहता हूँ कि ये मेरा पहला वीपीसी है जो मैं
कंसोल की हेल्प से क्रिएट कर रहा हूँ। तो कुछ ऐसा मैंने लिख दिया अपनी नॉलेज के लिए, है ना, मैं कुछ भी लिख सकता हूँ। वैसे तो यहाँ पे इंपॉर्टेंट चीज़ें लिखी जाती हैं, जैसे कि ये किस कंपनी का प्रोजेक्ट है, क्या है, या उस तरह की इंफॉर्मेशन। बट यहाँ पे मतलब आप कुछ भी लिख सकते हैं ताकि आपको याद रहे कि ये VPC में मैंने क्या किया था, क्यों बनाया था। तो आप अपनी नॉलेज के लिए यहाँ पे लिख सकते हैं। VPC नेटवर्क ULA इंटरनल IPv6 रेंज अगर आप चाहते हैं तो आप यहाँ पे इसे इनेबल कर दें, अदरवाइज आप इसे डिसेबल रहने दें। बाय डिफॉल्ट ये डिसेबल है तो डिसेबल ही रहने दें, क्योंकि आपको IPv6 की अभी ज़रूरत नहीं है, IPv4 से आपका काम चल जाएगा। यहाँ पे देखें, सबनेट जब आप बनाएंगे ना, ये सबसे इंपॉर्टेंट है कि आपने कस्टम लेना है या ऑटो लेना है, ऑटोमेटिक लेना है। देखो, अगर आप कस्टम लेते हो तो आपने सबनेट खुद बनाने पड़ेंगे, पर पहले मैं आपको ऑटोमेटिक सिखाता हूँ जो सबसे आसान है। बस आप जैसे ही इस पर क्लिक करोगे, देखो सारे ऑप्शन हट गए अपने आप। देखो नीचे वाले ऑप्शन हट गए, ये देखो कस्टम आते ही नीचे ऑप्शन आ रहा है सबनेट का, लेकिन ऑटोमेटिक करते ही वो क्या कह रहा है, उसने अपने आप सबनेट बना दिए, देखो। और अगर आप रेंज पर ध्यान दो तो ये सेम वही रेंज है जो जस्ट अभी मैंने आपको डिफॉल्ट की दिखाई थी। यही वजह मैंने आपको बताया पिछले लेक्चर में थ्योरी में कि ऑटो मोड में पियरिंग कराना बड़ा मुश्किल है। अगर आप दो VPC बनाते हैं ऑटो मोड के थ्रू और उनकी पियरिंग कराएंगे तो ये प्रॉब्लम आएगी, क्योंकि दोनों के सेम सबनेट होते हैं, सेम रेंजेस होती हैं। तो ये एक प्रॉब्लम है ऑटो मोड के साथ। तो यहाँ पे लेकिन अगर आपने फिर भी टेस्टिंग करनी है तो एक ऑटोमेटिक मैं बना लेता हूँ। अपने आप देखें सारे सबनेट मेरे क्रिएट हो गए। यहाँ पे फायरवॉल रूल आप बना लें, अगर आप अलग से फायरवॉल बनाना चाहते हैं वो भी बना सकते हैं। लेफ्ट साइड में आप देख सकते हैं ये ऑप्शन अवेलेबल है, बट फिलहाल मैं यहाँ पे चाहूँ तो मैं यहाँ पे SSH और RDP इनको अलाउ कर सकता हूँ कि भाई एटलीस्ट मैं SSH और RDP कर पाऊँ अपनी मशीनों में। तो इन दोनों को आप यहाँ भी अलाउ कर सकते हैं, इनकी एक डिफ़ॉल्ट फायरवॉल रूल बन जाता है बेसिकली, तो उसमें ये अपने आप अलाउ हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे राउटिंग मोड की अगर बात की जाए तो देखिए राउटिंग मोड में ये क्या कह रहा है, ग्लोबल डायनामिक राउटिंग अलाउ ऑल सब नेटवर्क रिगार्डलेस ऑफ रीजन्स टू बी एडवर्टाइज टू योर ऑन प्रमाइस राउटर एंड रीजन व्हेन यूजिंग क्लाउड राउटर। With global routing, you just need a single VPN with cloud router to dynamically learn routes to and from all Google Cloud region on a network. तो भाई वो सारे global regions को learn कर लेगा ये कहता है, लेकिन अगर आप लोग regional रखते हैं तो ये कहता है कि cloud router will learn routes only in the region, वो खाली region के routes को learn करेगा। तो फिलहाल हम region के साथ ही जाते हैं, हमें ज़्यादा कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। मैक्सिमम ट्रांसमिशन यूनिट का मतलब है आप कितने बड़े बड़े पैकेट भेज सकते हैं, जैसे कि यहाँ पे 1460 है, 1500 है और मैक्सिमम 8896 होता है। ये मैक्सिमम ट्रांसमिशन यूनिट है कि आप कितने साइज़ का पैकेट जब आप भेजेंगे तो कितने कितने मैक्सिमम जो पैकेट साइज़ हो सकता है वो कितने बाइट्स का हो सकता है। तो ये यहाँ पर दिखाया गया 1460 बाइट्स, ये बेसिकली बाइट्स में ही होता है, अगर आप इसकी डिटेल देखेंगे तो ये बाइट्स में आपको नज़र आएगा। तो ये यहाँ पर नज़र आ रहा है। अब यहाँ पर देखो इक्विवेलेंट कमांड लाइन भी है, अगर मैं इसका इक्विवेलेंट कमांड लाइन देखूँ तो ये मुझे क्या नज़र आ रहा है, मैं आपको ये दिखाता हूँ। ये देखें जी, ये इसकी कमांड लाइन की कमांड्स हैं, अगर यही कमांड मैं चलाऊँ तो यही काम कमांड लाइन के थ्रू हो जाएगा। तो ऐसा करते हैं कि इनको भी कॉपी करके रख लेते हैं ताकि ये सारी चीज़ें हम जब करें कमांड लाइन के थ्रू तो हम कर सकें। तो इवन मैं यहाँ पर एक काम करता हूँ, ये डिस्क्रिप्शन हटा देता हूँ क्योंकि इसकी रिक्वायरमेंट नहीं है वहाँ पे, इसकी वजह से कमांड लाइन थोड़ी सी अलग हो गई है। और यहाँ पर मैं एक इक्विवेलेंट कमांड लाइन क्रिएट करता हूँ, ये देखें तो यहाँ पे मेरी कमांड लाइन आ गई है। मैं इसको भी यहाँ पेस्ट कर लेता हूँ। फिर सेकंड कमांड क्या है, ये वाली है, इसको मैं नीचे ला के पेस्ट कर लेता हूँ। फिर थर्ड कमांड क्या है, ये वाली है, इसको मैं यहाँ पर ला के पेस्ट कर लेता हूँ। तो ये मेरी कमांड लाइन की कमांड्स आ गई। अगर ये काम आपने कमांड लाइन के थ्रू करना है तो भी आप कर सकते हैं, पर फिलहाल मैं आपको दिखाता हूँ इसके थ्रू, कंसोल के थ्रू। तो देखिए मैंने 1460 ही लेना है और मैं यहाँ पे क्रिएट करता हूँ। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे मेरा VPC क्रिएट हो रहा है माई ऑटो VPC के नाम से, और जैसे ये बनेगा अपने आप हर एक रीजन में एक एक सबनेट ऑटोमेटिकली क्रिएट हो जाएगा। आपने बनाए नहीं है फिर भी अपने आप बन जाएंगे, लेकिन मज़ेदारी की बात रेंज सेम रहेगी, यही वाली रेंज आपको मिलेगी 10.128 132 138 सेम रेंज आपको मिलेगी। मैं आपको दिखाता हूँ, इसे बनने में थोड़ा टाइम लगता है। तो आप देख सकते हैं मेरा VPC यहाँ पे बन चुका है और यहाँ पे आपको नज़र आएंगे, देखें सारे के सारे मेरे जो रीजन है, ये देखें 10.128 से ही स्टार्ट हुआ है, आप ऊपर वाला चेक कर लें तो सेम रेंज में ही बनते हैं हमेशा, आप चेक कर सकते हैं। और यही वजह है कि इनके बीच में पियरिंग नहीं हो पाती है। तो यहाँ पर ये मेरे बन गए हैं, हर रीजन के अंदर एक मेरा
यहाँ पे आप देख सकते हैं सबनेट क्रिएटेड है, हर एक रीजन में एक सबनेट क्रिएटेड है। और मेरे वीपीसी का नाम क्या है, माई ऑटो वीपीसी। अब अगर मैं इस वीपीसी के अंदर वर्चुअल मशीन बनाना चाहूँ और उन्हें आपस में पिंग कराना चाहूँ तो क्या मैं करा सकता हूँ, मैं चेक कर लेता हूँ। मैं यहाँ पे वीएम इंस्टेंसेस में जाता हूँ और यहां पे मैं क्रिएट इंस्टेंस पे जाता हूं। इसको नाम देता हूं मैं इंस्टेंस वन और इसको मैं अमेरिका में बना रहा हूं। आप देखिए मैं इस वीएम को कहां बना रहा हूं, अमेरिका में बना रहा हूं, बल्कि इसको मैं नाम दे देता हूं इंस्टेंस यूएस, ठीक है। और मैं इसको जनरल पर्पज ही रखता हूं, लेकिन N2 कर देते हैं, ठीक है, N2 स्टैंडर्ड कर देते हैं इसको। और यहां पे बल्कि N1 ले लें, और सस्ता पड़ेगा, नॉट N2, आप चाहें तो N1 ले लें, आपको और सस्ता पड़ जाएगा एक VCPU के साथ। और यहाँ पे आप नीचे आ जाएं, यहाँ पे मैंने इसको फ्री डेबियन वाला ले लिया है, सारा कुछ मैं डिफ़ॉल्ट ले रहा हूँ, मैं यहाँ पे चेंजेस नहीं कर रहा। लेकिन हाँ, आपने चेंजेस कहाँ करने हैं, आपने VPC तो अपने वाला लेना है ना, तो आप यहाँ पे आ जाएं एडवांस ऑप्शन पे, यहाँ पे क्लिक करें। अब यहाँ पे देखें आप ना, आपको नेटवर्किंग का नज़र आएगा ऑप्शन, इस नेटवर्किंग में आप नीचे आएँ, यहाँ पे देखो अभी आप किस नेटवर्क का हिस्सा हो, डिफ़ॉल्ट वाले का, लेकिन आपने तो अपना VPC बना रखा है, तो आप सिलेक्ट करेंगे माई ऑटो VPC। अब ये आपकी जो वर्चुअल मशीन है ये इस VPC के अंदर क्रिएट होगी और यहाँ पे अपने आप इसने उठा लिया ये वाला 10.128.0.0। ये चेंज नहीं कर सकते आप, क्यों नहीं कर सकते, क्योंकि फिलहाल आपका US के अंदर, आयोवा के अंदर यही आपका सबनेट बना हुआ है। अगर आपके पास इसमें दो सबनेट बने हुए होते तो आपको यहाँ पे दो नज़र आते, बट फिलहाल मेरे पास एक बना हुआ है तो मुझे यहाँ पे ये नज़र आ रहा है। आपको इसको पब्लिक IP भी देनी है तो आप यहाँ पर सिलेक्ट करेंगे प्राइमरी, ये तो इंटरनल IP है, ये आपकी एक्सटर्नल है, तो आप एक्सटर्नल एफेमरल भी दे सकते हैं और आप खुद की भी क्रिएट करके उसको दे सकते हैं, प्राइस सेम ही रहने वाला है, कोई फ़र्क नहीं आएगा। तो फिलहाल जो इन्होंने दी हुई है हम इसी के साथ जाते हैं। नेटवर्क सर्विस टीयर आप प्रीमियम ले लें, स्टैंडर्ड ले लें, ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ेगा, ठीक है, स्टैंडर्ड थोड़ा सस्ता है, प्रीमियम थोड़ा महंगा है, बाकी सारी चीज़ें एज इट इज़ रखनी है, कुछ चेंज करने की ज़रूरत नहीं है। और यहाँ पे आप बस क्रिएट कर दें और आई थिंक यहाँ पे पोर्ट से रिलेटेड कोई बात है क्या, यहाँ पे ये रही, तो यहाँ पे आप ट्रैफिक को भी अलाउ कर दें, HTTP और HTTPS, ये ट्रैफिक हम अलाउ कर रहे हैं ताकि अगर हम कोई वेब पेज बनाए या कुछ बनाए तो वो हमारा बन जाए। चलिए जी ठीक है, अच्छी बात है, क्रिएट कर लेते हैं। अब जब तक मेरी ये VM क्रिएट हो रही है मैं एक और VM बना लेता हूँ, लेकिन उसे मैं अमेरिका में नहीं बनाऊँगा, उसे मैं इंडिया में बनाऊँगा और उसको नाम भी दूंगा एशिया, और यहाँ पर उसका रीजन मैं एशिया का लूँगा, जो कि मैं यूरोप नहीं एशिया लेता हूँ, एशिया में टोक्यो ले लेते हैं। तो इस मशीन को मैं एशिया में बनाता हूँ, इसको भी N1 ले लेते हैं, बाकी सारी चीज़ें सेम आपको रखनी है, बस आप एडवांस ऑप्शंस में क्लिक करें और जो आपका VPC है आपने वो सेलेक्ट करना है नेटवर्क इंटरफेसेस के अंदर, और यहाँ पे नेटवर्क को आपको माई ऑटो VPC लेना है। और देखिए एशिया में रेंज क्या आ रही है, 10.146 क्यों आ रही है, क्योंकि मेरा एशिया में जो सबनेट क्रिएटेड है वो ये वाला क्रिएटेड है। अगर ये नहीं होगा तो फिर आपको नज़र ही नहीं आएगा, आपको पहले सबनेट क्रिएट करना पड़ेगा, जो कि कस्टम में मैं करके दिखाऊंगा। तो यहाँ पर बाकी सारी चीज़ें एज यूजुअल हैं, आपको कुछ चेंज करने की ज़रूरत नहीं है, आप चाहें तो आप इसमें भी ट्रैफिक को अलाउ कर दें, HTTP HTTPS को, ठीक है, और यहाँ पे आप क्रिएट पे क्लिक कर दें। तो आपकी दो मशीनें क्रिएट हो रही हैं। अब हमने करना क्या है, इन दोनों की आपस में टेस्टिंग करनी है, पिंग करा के देखना है US को एशिया के साथ विद दी हेल्प ऑफ प्राइवेट IP, नॉट पब्लिक IP। इनके देखो इसकी प्राइवेट IP क्या है, 10.128.0.2, अभी दूसरे की आएगी, तो तब तक एक काम करते हैं, जब तक उसकी प्राइवेट IP आती है तब तक मैं इसको SSH करके एक्सेस कर लेता हूँ। तो देख सकते हैं मैं अपनी मशीन के अंदर आ गया हूँ और अब मैं जब तक दूसरे की भी जब अगर मैं रिफ्रेश करूँ तो अभी इसकी भी एक बार मेरे को प्राइवेट IP मिल जाए तो मैं उसको पिंग करके देखूँगा। जस्ट अ मिनट, फिलहाल मैं US वाली मशीन के अंदर हूँ और ये मुझे यहाँ पे रेड कलर का कुछ निशान दिखा रहा है कि द जोन एशिया नॉर्थ डज नॉट हैव एनफ रिसोर्स। तो ये कुछ इश्यू आने वाला है गाइस यहाँ पे, जिसकी वजह से ये नहीं कर पा रहा है, ये कह रहा है कि एशिया में रिसोर्सेज नहीं है। तो चले मैं इसको यहाँ डिलीट कर लेता हूँ, मेरे को एक और मशीन बनानी पड़ेगी, तो उसको मैं टोक्यो में ना बना के फिर कहीं और बना लेता हूँ।
तो गाइज ये मेरी इंस्टेंस एशिया मशीन बन गई, और इसको मैंने बनाया है एशिया साउथ ईस्ट 1B में, यानी कि सिंगापुर में। एक्चुअली मेरी वो दूसरी वाली मशीन भी नहीं बन पाई, तो मैंने इसको और दूसरा रीजन में बना लिया। तो ऐसे आप चेंज कर सकते हैं, कई बार कोटा का इशू आ जाता है तो ये बन जाती है बेसिकली। तो मैंने यहाँ पे बना ली, और मैंने इसका साइज़ भी E2 मीडियम कर दिया है, क्योंकि आई थिंक N1 का कोटा पूरा हो रहा था या कुछ इशू आ रहा था, तो मैंने इसको E2 मीडियम कर दिया, तो ये मेरा क्रिएट हो गया। कोई मसला नहीं, अगर आपके साथ ऐसा इशू आए तो आप रीजन बस चेंज करके देख लीजिएगा या मशीन का टाइप चेंज करके देख लीजिएगा, हो जाएगा, कोई मसला नहीं है। तो बाकी मैंने कुछ चेंजेस नहीं किया, मैंने बस रीजन चेंज करके ये बनाया है। अब आप देख सकते हैं मेरे पास जो इसकी प्राइवेट IP है वो है 10.148.0.2। मैं ऑलरेडी अपनी एक मशीन एक्सेस करके बैठा हूँ, और मुझे यहाँ पे अगर मैं देखूँ तो ये मेरी मशीन है, और मैंने दूसरी मशीन को एक्सेस करना है जिसकी IP है 10.148.0.2। तो मैं यहाँ पे पिंग करता हूँ 10.148.0.2, और मैं चेक करता हूँ। मुझे रिप्लाई नहीं आ रहा है, यानी कि ये आपस में बात नहीं कर पा रही। रीज़न क्या हो सकता है? देखो, रीज़न एक हो सकता है कि मैंने ICMP प्रोटोकॉल को अलाउ नहीं किया है, बस ये एक रीज़न है। ऐसा नहीं है कि VPC आपस इस VP एक, क्योंकि ये दोनों एक ही VPC के अंदर मैंने बनाए हैं, माई ऑटो VPC, आप देख सकते हो दोनों का जो VPC है वो सेम है, फिर भी ये पिंग नहीं कर पा रहे। उसका बस एक बुनियादी रीज़न है कि इनका जो फायरवॉल है उसमें ICMP अलाउ नहीं है। तो आप एक काम करें, आप VPC में जाएं, फायरवॉल में जाएं, और यहां पे जो एक फायरवॉल आपका बना होगा, ये रहा माई ऑटो VPC अलाउ का, यहां पे आपने एक और फायरवॉल रूल अलाउ करना पड़ेगा। तो मैं VPC नेटवर्क में जाके कर देता हूं, तो मैं यहां पे अपने VPC नेटवर्क में आता हूं, और यहां पे मैं इसे एडिट करता हूं। इससे इस बहाने आप सीख भी जाएंगे कि एडिटिंग कैसे होती है। और यहाँ पे आप फायरवॉल पे आएं, और यहाँ पे जो आपके रूल हैं इसमें एक रूल ऐड कर लें, और बजाय इसके मैं यहीं पर अगर एडिट कर दूं, लेट मी चेक, ये रहे, इस पर क्लिक करता हूँ, और यहाँ पे मैं कहता हूँ जी आप एक फायरवॉल, जस्ट अ मिनट, तो मुझे गाइस यहाँ पे एक फायरवॉल रूल ऐड ही करना पड़ेगा। इसको मैं लिख देता हूँ माई रूल फॉर ICMP, क्योंकि ICMP प्रोटोकॉल इज़ रिक्वायर्ड। तो आप यहाँ पे माई रूल ICMP कर सकते हैं, जिससे कि पता चल जाए कि यहाँ पे हमने ICMP के लिए ये रूल लगाया है। और इनग्रेस आपको करना है, अलाउ आपको करना है, स्पेसिफिक टारगेट्स में आप कर दें ऑल इंस्टेंसेस, ताकि हर इंस्टेंस पे ये रूल अलाउ हो जाए। और सोर्स जो रहेगा मेरा वो 0.0.0.0 रहेगा, ताकि कहीं से भी कोई भी ट्रैफिक आए। और कौन सा पोर्ट मुझे अलाउ करना है, ICMP का पोर्ट नंबर होता है, मुझे अगर याद नहीं है तो मैं देखो ये भी कर सकता हूँ, मैं यहाँ पे इसे हटा के यहाँ पे जाऊँगा, मैं आपको दिखाता हूँ मिनट, या फिर मैं यहाँ पे अदर पे क्लिक करके लिख सकता हूँ ICMP। तो ऐसा करने से मेरा ICMP प्रोटोकॉल जो है वो अलाउ हो जाएगा। आप यहाँ पे क्रिएट कर दें, तो मैंने यहाँ पे एक और रूल बना के ICMP को अलाउ कर दिया है। अभी दोबारा मैं उस मशीन पे जाता हूँ, एंड सी गाइस, आ गया ना रिप्लाई, देखें जैसे ही मैंने वहां किया रिप्लाई आ गया, यानी VPC में कोई प्रॉब्लम नहीं थी। प्रॉब्लम क्या थी कि आपको ICMP पोर्ट अलाउ करना था, और इस तरह के एरर आने चाहिए, क्योंकि आएंगे तभी तो हम सीखेंगे कुछ नया। तो देख सकते हैं आप, रिप्लाई मेरे पास आ रहा है बिल्कुल बढ़िया, जैसे ही मैंने अलाउ किया एकदम से आ गया। यानी ज़रूरी नहीं है कि जब आप लैब करने बैठे हैं तो आप कहें कि यार VPC काम क्यों नहीं कर रहा, कुछ गलती तो की नहीं है मैंने, तो हो सकता है VPC ठीक हो। कई बार पोर्ट और ये सारी चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट होती हैं, तो ये भी आपने ध्यान रखना है। तो आई होप ये पिंग करना आप सीख गए होंगे। और अब मैं इसी चीज़ को अगर आपको बना के दिखाऊं क्लाउड शेल के थ्रू, तो आपने क्या करना है, यहाँ पे पहले मैं इस VPC पे जाता हूँ, और मैं इस VPC को डिलीट कर लेता हूँ, डिलीट VPC नेटवर्क, इसको डिलीट करते हैं। तो डिलीट करने में ये एक एरर दे रहा है, ये कह रहा है कि भाई आपकी जो जोन है वहाँ पे आपकी मशीनें चल रही हैं, तो आप पहले उन्हें डिलीट करें। तो बिल्कुल सही बात है, मैंने यहाँ पे मशीनों को डिलीट नहीं किया है,
तो पहले मैं अपने इंस्टेंसेस को डिलीट कर लूं, तो ये मेरा एक इंस्टेंस चल रहा है, मैं इसको डिलीट करता हूं। उसके बाद मेरा ये एक इंस्टेंस चल रहा है, मैं इसको डिलीट करता हूं। तो मेरे दोनों इंस्टेंसेस डिलीट हो चुके हैं। अब मैं जाकर उस वीपीसी को दोबारा डिलीट करने की ट्राई करता हूं। तो मैं यहां पे डिलीट पे क्लिक करता हूं। और यहां पे डिलीट वीपीसी पे क्लिक करता हूं, डिलीट करता हूं। तो अभी ये मेरा डिलीट हो जाना चाहिए। तो आप देख सकते हैं सक्सेसफुली डिलीटेड नेटवर्क, तो मेरा वीपीसी डिलीट हो चुका है। अब मैं अपना वीपीसी क्रिएट करूंगा कंसोल की हेल्प से नहीं बल्कि क्लाउड शेल की हेल्प से। तो क्लाउड शेल पे मैं क्लिक करता हूं। तो ये मेरा क्लाउड शेल ओपन हो गया है। और गाइस कमांड्स हमने याद नहीं करनी, ये कमांड्स मैंने आपके सामने अभी मैंने वहां से इक्विवेलेंट में से कॉपी पेस्ट की थी, आपको याद होगा। हमने एज इट इज चलानी है। देखो बड़ी सिंपल सी कमांड है, जी क्लाउड का हमेशा यूज करना है। कंप्यूट आएगा यहाँ पे क्योंकि कंप्यूट का ऑप्शन है। नेटवर्क्स क्रिएट करना चाहते हो तो नेटवर्क्स आएगा, क्रिएट आएगा। यहाँ पे आपने जो भी अपने वीपीसी को नाम देना है, जैसे मैं यहाँ पे अब ऑटो ना बना के, या ऑटो तो बना रहा हूँ बट मैं इसको कहता हूँ क्लाउड शेल। ये मेरा क्लाउड शेल वीपीसी है, तो मैं इसको यहाँ पे नाम दूंगा क्लाउड शेल वीपीसी। लेकिन याद रहे कि अगर ये नाम कहीं और इस्तेमाल हुआ है तो वहाँ भी आपको नाम यही करना पड़ेगा। जैसे कि यहाँ देखो आप, क्रिएट माय ऑटो वीपीसी अलाउ आरडीपी, यहाँ पर भी नाम बदल रहा है। तो आपने जहाँ जहाँ नाम है माय ऑटो वीपीसी, जहाँ जहाँ आ रहा है या कहीं भी आ रहा है, हालांकि ये डिफ़ॉल्ट नेम है, इसकी हमें ज़रूरत नहीं पड़ेगी, ये तो नेम है, इस पर तो नेम इन्होंने ये ले लिया है। बट अगर कहीं इस वीपीसी का नाम इस्तेमाल हो रहा है ये वाला, तो आपने वो लेना है, ठीक है। तो फिलहाल हमें जरूरत नहीं है कुछ ज़्यादा चेंजेस करने की, इसको करके देखते हैं, कोई एरर आएगा तो करेक्ट कर लेंगे। तो पहली कमांड को कॉपी करता हूँ और मेरा वीपीसी बनना चाहिए माई क्लाउड शेल वीपीसी के नाम से, क्योंकि मैंने नाम बदल दिया है। और मैं यहाँ पर इस कमांड को पेस्ट करता हूँ। तो पहली कमांड मैंने लगा दी है। इस कमांड का मतलब ये है कि एक वीपीसी बना दो टेक्निकल गुफ्तगू वन प्रोजेक्ट आईडी जो है उसके अंदर, और सबनेट मोड ऑटो रखना है, और मैक्सिमम ट्रांसमिशन यूनिट 1460 रखनी है, और बीजीपी राउटिंग, बल्कि आप इसे चेंज करना चाहो आप कर भी सकते हो, आप इसको 1500 कर दो एमटीयू को। आपके पास तीन ऑप्शन होते हैं, 1460, 1500 एंड 8846। तो मैं यहाँ पे 1500 कर देता हूँ। और बीजीपी राउटिंग मोड रीजनल है। तो ये सारा आपने लिख दिया, उसके बाद आपको कुछ नहीं करना, आपने बस एंटर कमांड चलानी है। ऑथराइज करने के लिए कहेगा, आप ऑथराइज कर दें। और ये देखिए मेरा जो वीपीसी है वो क्रिएट हो गया है। हालांकि थोड़ा सा टाइम लगता है, थोड़ा सा टाइम लगा है, 30 सेकंड या एक मिनट के आसपास, और उसके बाद ये क्रिएट हो गया है। आप देख सकते हैं मेरा मोड ऑटो है, बीजीपी राउटिंग मोड रीजनल है, IPv4 रेंज मैंने अभी कुछ ऐसी नहीं दी है, और मेरा ये क्रिएट हो चुका है। मैं आपको दिखा देता हूँ, अगर आप यहाँ पे क्लाउड शेल में चेक करेंगे आपको आपका वीपीसी नज़र आएगा। अभी नज़र नहीं आ रहा है क्योंकि ये रिफ्रेश नहीं हुआ है। मैं रिफ्रेश करता हूँ, एंड सी गाइज माई क्लाउड शेल वीपीसी के नाम से मेरा एक बन चुका है, और 1500 MTU है यहाँ पे, आप देख सकते हैं, जो मैंने MTU सेट किया था, जबकि पुराने वाले में 1460 है डिफॉल्ट में। तो मैंने जो चीज़ें सेट की थी, मैंने MTU 1500 किया था, 1500 आ गया, ऑटो मोड था ऑटो आ गया, तो इससे पता चलता है कि ऑटोमेटिक है। और यहाँ पे ऑटोमेटिक होने की वजह से एक एक सबनेट हर रीजन में मेरा क्रिएट हो गया है, ये चीज़ भी आपको नज़र आ रही है। आपने इससे आगे के काम कराने हैं, इससे फायरवॉल रूल क्रिएट करना है, कुछ और करना है, तो आप एक और कमांड चला दें जो आपने यहाँ पर कॉपी की हुई है। तो ये कमांड एज इट इज़ यहाँ से आप कॉपी करें और आप यहाँ पर पेस्ट करके चला दें। तो ये कमांड आपको याद नहीं करनी होती, जस्ट ये वहीं से मिल जाती हैं, तो इजी होता है, बस आपने चलानी होती है। देखो क्रिएटिंग फायरवॉल आ रहा है। अब ये कहता है भाई एरर आ रहा है, माई ऑटो वीपीसी वॉज नॉट फाउंड। आगे ना वही बात कि नाम अगर वो नहीं रखोगे तो मसला है। तो यहाँ पे आपने क्या करना है, यहाँ पे आपने नाम हर जगह माई क्लाउड शेल वीपीसी करना है, ये चीज़ आपने याद रखनी है। अगर आप नहीं करेंगे तो फिर मसला हो जाएगा। तो मैं आपको दिखाता हूँ आपने कैसे इसको करेक्ट करना है।
आपने यहां पे लिखना है माई क्लाउड शेल, जहां जहां और सॉरी जहां जहां आपने माई ऑटो किया था, जहां जहां आपको माई ऑटो नजर आए वहां वहां आप माई क्लाउड शेल कर दें, बस इतना आपको करना है क्योंकि आपने नाम में चेंज किया है। तो जैसे यहां पर भी आप माई क्लाउड शेल कर दें, आई थिंक ये दो ही जगह यहां पे नाम है, मैं एंटर करता हूं एंड लेट्स सी। परफेक्ट है जी, तो मेरा फायरवॉल रूल क्रिएट हो गया है, आप देख सकते हैं माई क्लाउड शेल वीपीसी के नाम से मेरा एक क्रिएट हो गया है। आप चाहें तो आप फायरवॉल में जाके चेक कर लो, अभी आपको दिखा देता हूं मैं, ये देखे माई क्लाउड शेल वीपीसी अलाउ आरडीपी आ गया। तो इस तरीके से गाइज आप क्लाउड शेल के थ्रू सारा काम कर सकते हैं और कोई कमांड याद रखने की जरूरत नहीं है गूगल में, सबसे आसान है काम करना। तीसरी कमांड भी चला के दिखा देता हूँ, आपने इसे भी चलाना है तो यहाँ पे ये पोर्ट अगर आप अलाउ करना चाहते हैं, कुछ भी करना चाहते हैं, बट उससे पहले फिर आप यही काम कर लें, जहाँ जहाँ ऑटो लिखा था वहाँ क्लाउड शेल कर दें, क्योंकि मैंने नाम चेंज किया था तो यहाँ पर ऑटो लिखा है, यहाँ पर भी ऑटो लिखा है, इसको क्लाउड शेल कर दें और बाकी सब ठीक है। तो बस इसको यहाँ से आप कॉपी करते हैं और यहाँ पर पेस्ट करते हैं और इस कमांड को एग्जीक्यूट करते हैं। परफेक्ट है जी, एक और मेरा रूल बन गया एसएसएच के लिए, मैं चेक कर लेता हूं, अभी तक मेरा सिर्फ आरडीपी का रूल बना था, अब मैं यहां पे रिफ्रेश करूंगा तो मुझे एसएसएच का रूल भी नजर आना चाहिए। आप देख सकते हैं माई क्लाउड शेल वीपीसी अलाउ एसएसएच वाला रूल बन गया, आरडीपी वाला रूल बन गया, दोनों रूल बन गए। तो इस तरीके से आप क्लाउड शेल के थ्रू भी सेम काम कर सकते हैं, आपको कुछ भी याद करने की जरूरत नहीं है, सब कुछ बहुत इजी है, क्लाउड शेल से करो, कंसोल से करो, जैसे भी आप कर लोगे आप सीख जाओगे, नो नीड टू वरी, ठीक है ना। तो यहाँ पे कमांड्स वमांड्स इसीलिए मैंने आपको बोर्ड पे नहीं सिखाई है लिखवा के, मैंने कहा कि आपको मैं सीधा वहीं सिखा दूंगा, तो वजह यही थी कि भाई कुछ ऐसा है ही नहीं इसमें, ये याद वाद नहीं करनी पड़ती हैं। हाँ एग्जाम में आए तो बस आपको इतना फॉर्मेट याद होना चाहिए कि जी क्लाउड कंप्यूट फायरवॉल रूल्स और क्रिएट, फायरवॉल रूल यानी कि जो भी आप काम जिसपे करना चाहते हैं वो लिखना है, फिर आपने क्रिएट करना है फायरवॉल रूल, उसका नाम रखना है फायरवॉल रूल का जो भी नाम है, और किस प्रोजेक्ट में उसको करना है वो लिखना है। तो ये कुछ बस बेसिक कमांड आपने याद रखनी है, ज़्यादा कुछ आपको याद नहीं रखना पड़ता। जो अलाउ करना है उस अलाउ को आपने ऐसे लिखना होता है, अलाउ करना है तो कौन सा रूल अलाउ करना है, TCP:22, इस तरीके से आप अलाउ कर सकते हैं। तो ये कुछ चीज़ें हैं, आसान आसान चीज़ें हैं जो आपको समझ आ जाएंगी जब आप डम्प्स देखेंगे, बाकी सारी चीज़ें देखेंगे तो आप इजीली कर पाएंगे, कोई मुश्किल बात नहीं है। इसको करने के बाद आप चाहे यहाँ से डिलीट कर दें, चाहे आप यहाँ से मैन्युअली डिलीट कर दें, फायरवॉल रूल के कोई पैसे नहीं लगते हैं, इवन वीपीसी नेटवर्क के भी कोई पैसे नहीं लगते हैं, बट फिर भी मैं सजेस्ट करूँगा कि लैब अगर हो गई है तो बिना वजह वो ना करें, आप अपने डिलीट कर दें तो बेहतर है, ताकि आपके बाद में कोई कन्फ्यूज़न क्रिएट ना हो और आप बिल्कुल मेरे साथ लेवल में रहें, जो चीज़ मेरी बनी हुई है वो आपकी बनी हो, जो मेरी नहीं बनी आपकी ना बनी हो। तो मैं इसे डिलीट कर रहा हूँ यहाँ पे, और ये अभी इजीली डिलीट हो जाएगा क्योंकि इसके अंदर कोई भी वर्चुअल मशीन नहीं बनी हुई है। अगर वर्चुअल मशीन बनी होगी तो पहले वो आपको डिलीट करनी पड़ेगी, फिर आपने इन्हें डिलीट करना है। तो आप देख सकते हैं मेरा वीपीसी तो डिलीट हो गया है, मैं यहाँ पर रिफ्रेश भी कर देता हूँ तो ये मेरा डिलीट हो चुका है। अब मैं फायरवॉल रूल चेक करता हूँ, तो यहाँ पर फायरवॉल रूल अभी अवेलेबल है, तो आप इन्हें मैनुअली यहाँ से सेलेक्ट करके डिलीट कर सकते हैं। तो आप देख सकते हैं आपके फायरवॉल रूल डिलीट हो गए, तो इस तरीके से आप इन्हें डिलीट भी कर सकते हैं, कोई मसले वाली बात नहीं है, और अब आपका कोई बिल नहीं बनेगा, कुछ नहीं बनेगा, नो नीड टू वरी। तो चलिए अब चलते हैं सीधा अपने बोर्ड की तरफ। आई होप यार आपको लैब अच्छे से समझ आ गई होगी और थोड़ा कॉन्फिडेंस भी आपका बिल्डअप हुआ होगा, और चले बात को अब एज यूजुअल किसी खूबसूरत नज्म या गजल के साथ खत्म करते हैं। और आज आपको अपना ही लिखा कुछ सुनाता हूँ, एक नज्म है जो कभी लिखी थी मैंने सन 2012 में, वो आज आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ, बताइएगा कैसी लगी, ठीक है। तो जनरली मैं दूसरे ही शायरों के सुनाता हूँ, अपना कुछ ऐसा है नहीं ना, मैं वो एक मुकम्मल शायर हूँ कि मैं आपको सुना सकूँ, बट जो कुछ लिखा है शेयर कर देते हैं आपके साथ, बताइएगा कैसा लगा। और ये कुछ यूं है कि लिखता हूँ तो तेरी याद आती है, लिखता हूँ तो तेरी याद आती है, कलम तेरी है या अल्फाज मालूम नहीं, हंसता हूँ तो तेरी याद आती है,
मुस्कान तेरी है या ख्यालात मालूम नहीं, चलता हूं तो तेरी याद आती है, चाल तेरी है या चलन मालूम नहीं, सवरता हूं तो तेरी याद आती है, आईना तेरा है या चेहरा मालूम नहीं, बोलता हूं तो तेरी याद आती है, बातें तेरी हैं या किस्से मालूम नहीं, रोता हूं तो तेरी याद आती है, अश्क तेरे हैं या जख्म मालूम नहीं, देखता हूं तो तेरी याद आती है, हर चेहरा तेरा या हर एक में तू मालूम नहीं, बेबस हूं और बेबसी में तेरी याद आती है, तू जरूरत है या कमजोरी मालूम नहीं। तो ये एक नज़्म लिखी थी मैंने कुछ टाइम पहले, तो आई होप आपको अच्छी लगी होगी। चले बात को अब इसी के साथ ख़त्म करते हैं। ख्याल रखिए अपना और दुआओं में याद रखिए।